वर्ल्ड कप की एक्साइटमेंट को प्लस करते जाएं ओनली ऑन रमी स्पीक्स ब्रॉट टू यू बाय जीरा प्लस। सौ रन कोई आउट नहीं बांग्लादेश, और उसके बाद अगर आप 250 करते हैं तो कहीं ना कहीं तो खराबी है। चले माना भारत की स्किल लेवल आपसे बेहतर है, मगर फिर भी इतना जबरदस्त स्टार्ट आपको मिला है तो आप 250 कैसे कर सकते हैं, जबकि सब कहते हैं कि पुणे की पिच जो है ये बैटिंग के लिए बहुत ही साजगार है, रोड है, तो यहाँ पे तो इस तरह से आउट आपको होना नहीं चाहिए। सो इससे पता यही चलता है कि अभी बहुत कसर है बांग्लादेश की परफॉर्मेंस में, क्योंकि एक हिस्सा ठीक करते हैं तो दूसरा ठीक नहीं। फेजेस में ब्रिलियंस दिखती है, फेजेस में इंप्रेस करते हैं, मगर ओवरऑल एक होलसम परफॉर्मेंस जो है वो मां सिवाय भारत के इस टूर्नामेंट में अभी तक कोई खैर टीम दिखा नहीं सकी है। क्योंकि अगर आपके पहले 4-5 बल्लेबाज की एवरेज ऑलमोस्ट 50 हो और छक्के लगाते हो और फिर स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त और फिर पार्टनरशिप्स भी और क्वालिटी भी और अकल से खेलना भी और क्लास भी और ये काम बॉलिंग में, तो फिर बांग्लादेश के लिए ये मुश्किल ही चैलेंज होना था। प्लस मोमेंट ऑफ द मैच भारतीय स्पिनर्स जडेजा और कुलदीप यादव, उस वक्त अगर ये आके प्रेशर ना डालते तो हो सकता है कि बांग्लादेश 300 प्लस रन कर जाते, मगर ना सिर्फ रन स्क्वीज किए बल्कि आउट भी किए, और फिर फील्डिंग भी शानदार है जडेजा की, उन्होंने जो पॉइंट पे कैच किया वो लाजवाब था। कुलदीप यादव रिस्ट स्पिन बॉल करते हैं, गुगली भी करते हैं, जो ऐसा बॉलर होता है वो गेंद आगे पीछे करता है, मगर इनमें एक्यूरेसी कूट कूट के भरी हुई है और जडेजा क्विक थ्रू दी एयर है, इसलिए उनको क्रॉस बैट या सीधी ऊंची हिट लगाते हुए परेशानी होती है, क्योंकि बैट स्पीड जो है वो बहुत तेज उसको आना पड़ता है, क्योंकि इनका गेंद आके ठक करके बल्ले में लग जाता है, तो इसलिए भी, और एक्यूरेट है, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं, एक्यूरेसी है दोनों स्पिनर्स के पास, और मिस्ट्री भी है, ट्रिक भी है, खासतौर पर कुलदीप यादव के तो एक बहुत ही मैजिकल वो बॉलर बन चुके हुए हैं, और उन्हीं की बदौलत इनफैक्ट जो है वो प्रेशर क्रिएट ज्यादा होता है। देखिए ये भी आसान पिक है, विराट कोहली बहुत बड़े रन चेजर, बहुत बड़े प्लेयर, चले माना बांग्लादेश का बॉलिंग अटैक इस पिच के हिसाब से ठीक नहीं था, मगर 100-100 होता है और वो गामजन है रिकॉर्ड बनाने के लिए और डिजर्व भी करते हैं। देखिए पूरी अपनी जज्बे के साथ, पैशन के साथ एक एक बॉल खेलते हैं, सिंगल्स भी निकालते हैं, दो रन भी लेते हैं, छक्का भी मारते हैं। इनफैक्ट मैं अभी रिकॉर्ड देख रहा था छक्कों के, मुझे याद आ गया रोहित शर्मा का इस वर्ल्ड कप में पावर प्ले में 140 प्लस का स्ट्राइक रेट है, और उन्होंने 9 छक्के अभी तक लगा लिए हैं अपने पावर प्ले में, और ये तो मैचेस इनके शुरू में है भारत के, तो आप समझे ना कि उसके बाद फिर आपके मिडिल ऑर्डर में अगर विराट कोहली आते हैं और उससे पहले शुभमन गिल है, और बैटिंग लाइनअप चलती जाती है, श्रेयस अय्यर हैं, और बहुत ज्यादा मतलब पोटेंशियल है, तो फिर ये काफिला रुकेगा नहीं। भारत को अब बीट करना जो है ये बहुत बड़ा एक मैच खेलना पड़ेगा टीम को हराने के लिए भारत को, क्योंकि बैटिंग जबरदस्त, बॉलिंग जबरदस्त, फील्डिंग बहुत अच्छी, और विराट कोहली की इनिंग्स जो है ये इसलिए यादगार है क्योंकि रन चेज बेइंतहा अच्छा करते हैं और उसको पेस बहुत अच्छा करते हैं और अपने में इतनी खुद एतमादी है और बिल्कुल सही बॉल पिक करते हैं हिट मारने के लिए भी और सर्वाइव भी पहले करते हैं। सो नॉर्मल बैटिंग के बाद फिर टेक ऑफ इनकी इनिंग्स करती है, और वो जो लास्ट में एक थोड़ा सा ड्रामा क्रिएट हुआ जब इनको 100 रन चाहिए थे और उसमें फिर एक वाइट बॉल भी हो गया और 3 रन चाहिए थे पर छक्का मार के अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, सो खासा ड्रामेटिक एंड हुआ। बहुत बड़े प्लेयर हैं और ये क्रिकेट के लिए बड़ा जरूरी है विराट कोहली का मैदान में आना, क्योंकि मैदान को सजाते हैं, एक पर्सनैलिटी है, स्वैगर है, फील्डिंग जानदार करते हैं, इन योर फेस काइंड ऑफ अ कैरेक्टर है, और फिर करके दिखाते हैं। सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के ऑलमोस्ट पास पहुंच गए हैं सेंचुरीज का रिकॉर्ड में, और एक वक्त ऐसा था कि लगता नहीं था कि दूर दूर तक कोई सचिन तेंदुलकर का सेंचुरीज का रिकॉर्ड तोड़ देगा, मगर विराट कोहली मेरे ख्याल से एक आधे और हिट उनको चाहिए और सचिन तेंदुलकर से आगे निकल जाएंगे। बहुत बड़ा दिन था आज इनके लिए और बहुत बड़ा दिन था भारत के लिए भी। डाउनलोड तमाशा ऐप एंड वॉच वर्ल्ड कप लाइव स्ट्रीमिंग एब्सोल्युटली फ्री। जैज लाया है अपने कस्टमर्स के लिए जीतने का एक और मौका विद जैज फैंस पल्स। प्ले एंड विन बिग।
through Tamasha app now.